राजस्थान विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर जाट किसका साथ देंगे और किसकी खाट खड़ी करेंगे। जाट समाज किचन कॉम से आती है, जिसका राजस्थान में खासा प्रभाव है। प्रदेश की 42 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जाट और किसान बहुसंख्यक है। में किसी भी पार्टी की जीत या हार में इस कॉम का सबसे खास योगदान रहता है। 2013 के विधानसभा चुनावों में जाट ने भाजपा का समर्थन किया था, वहीं 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को किसन कौम की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा और कांग्रेस को जीत मिली। अब एक बार फिर से सवाल यही है कि आखिर जाट किसका साथ देंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जाटों को साधने में जुटे हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और सिरोही से लेकर शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर तक जाटों का खासा प्रभाव है। यहाँ जीत और हार जाट कौम ही तय करती है। 2018 में भाजपा को जाट की नाराजगी भारी पड़ी थी, लिहाजा ऐसे में भाजपा किसी भी सूरत में जाट समुदाय से नाराजगी मोड़ नहीं ले सकती है। सतीश पूनिया को जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूनिया लगातार जाट समाज को साधने में जुटे हुए हैं, यही कारण है कि उन्हें पार्टी अलग अलग मौके पर आगे करती रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं। साथ ही कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान जाट समाज को साधने के लिए कई कार्यक्रम भी किए हैं। कांग्रेस ने वक्त वक्त पर कई जाट नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। वहीं हम 2023 के चुनाव नजदीक हैं और दोनों ही पार्टियां जाटों को साधने में लगी हुई हैं। लेकिन यहां देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार जाट किस पार्टी का साथ देते हैं। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।